हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करूंगा हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 5वें की। और गाइस, इस एपिसोड में किंग वैसेरियस प्रिंसेस रिनेरा के साथ ड्रिफ्ट मार्ग जा रहे हैं लॉर्ड कॉलिस से मिलने, और लॉर्ड कॉलिस के जो बेटे हैं लेनर वैलेरियन, उनसे प्रिंसेस रिनेरा का हाथ मांगने जा रहे हैं। इस एपिसोड में किंग वैसेरियस की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। एपिसोड 4 की रिव्यू में मैंने बताया था कि एपिसोड ओट्टो हाई टावर को किंग्स हैंड की पद से हटा दिया है किंग वैसेरियस ने। ओट्टो हाई टावर किंग्स लैंडिंग छोड़ के जा रहे हैं। और गाइस, क्वीन एलिसन हाई टावर को प्रिंसेस रिनेरा की सच्चाई पता चल गई है कि उस रात को जिस दिन डिमोन टारगेरियन और प्रिंसेस रिनेरा पैलेस से बाहर गए थे घूमने भेष बदल के, तो उस रात की सारी बात पता चल गई है। जिसके बाद क्वीन एलिसन हाई टावर बहुत ज्यादा गुस्से में है। प्रिंसेस रिनेरा जो कि पहले उनकी दोस्त थी, उन्होंने झूठ क्यों बोला? और भाई, उसके बाद फिर शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर और वहां पर मेहमान सारे लॉर्ड अलग अलग जगह के आते हैं, और वहां पर जब क्वीन एलिसन आती हैं तो वो हरे रंग पे आती हैं। और हाउस टारगेरियन और वैलेरियन में हरे रंग का मतलब होता है कि युद्ध या लड़ाई का, सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि पहले वो ये चाहती थी कि वो प्रिंसेस रिनेरा को ही उत्तराधिकारी बने, लेकिन अब लगता है आगे आने वाले एपिसोड में अपने बेटे इगोन सेकंड को उत्तराधिकारी बनाएगी। शादी की पार्टी में सर क्रिस्टन जो कि किंग्स गार्ड है, उन्होंने जॉफरी नाम के आदमी को बहुत ज्यादा पीटा और मार डाला। और जॉफरी लेनर वैलेरियस का बहुत खास आदमी और सलाहकार था। और उसके बाद जो शादी की रीति रिवाज होते हैं वो होने ही जा रहे थे, तो उसी टाइम किंग बेहोश होकर गिर जाते हैं और वहीं से सीन खत्म हो जाती है। तो अब अगले एपिसोड में देखा जाएगा क्या होगा। एपिसोड 6 का ट्रेलर आ गया है YouTube में, तो उसमें ये दिखाया गया कि अब बाकी जो जितने लोग थे वो सब लोग बड़े हो गए हैं। तो गाइस, अब उत्तराधिकारी की रेस में बहुत ज्यादा साजिशें देखने को मिल रही हैं, और ज्यादा आने वाले एपिसोड में मिलेगी। एलिसन हाईटावर के बच्चे भी बड़े होने वाले हैं अगले एपिसोड से। तो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।